वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप फेसबुक में भेजे गए फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे हटाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन वर्क यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप कोई आप नया फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और आप बहुत सारे फेसबुक में फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो फेसबुक क्या करता है कि आपको क्या करता है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो उसको आप कैसे कैंसिल करेंगे, तो उसके लिए हमें चलना होगा फिर अपने फेसबुक के ऐप में। और हम फेसबुक के ऐप में हम जाते हैं, तो इसमें जाने के बाद सबसे राइट साइड में आप 3 डॉट देख रहे हैं, तो इस 3 डॉट में हम जाएंगे। और 3 डॉट में जाने के बाद अब हमें नीचे जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। और सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे एक सेटिंग्स है, इसमें हमें जाना है। और इसमें जाने के बाद अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करते जाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए एक्टिव लॉग है, एक्टिव लॉग पे हमें जाना है, क्लिक करना है। और एक्टिव लॉग पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर देख रहे हैं कैटेगरीज पे जाना है। और कैटेगरीज पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इसको हमें क्लिक करना है। और इसको जैसे क्लिक करेंगे, आपने जितना फ्रेंड्स को आज तक रिक्वेस्ट भेजा है यहाँ पे सब आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सभी को हटाना है। तो यहाँ पे रेड कलर का क्लियर का ऑप्शन देख रहे हैं, क्लियर पे हम जाएंगे और यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। और फिर से जाते हैं तो देखते हैं तो है या नहीं है ये चीज़, फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को क्लियर यहाँ से हम कर। इस तरह से फ्रेंड्स, आप फेसबुक में जितने भी आपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजे थे उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरह की और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।